देश के कई राज्यों में भारी बारिश के हालात बने हुए हैं। कहीं तो उमस भरी गर्मी पड़ रही है तो वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली, पंजाब और बिहार में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो वहीं कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, जिससे कई हादसे भी हो रहे हैं। वहीं असम में बाढ़ से हालात में थोड़ा सुधार है। आपको बता दें कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार रात तेज बारिश हुई। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर जिलों में कई जगह पर अच्छी बारिश हुई, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम राजस्थान के हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार रात तेज बारिश हुई। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर जिले में कई जगह अच्छी बारिश हुई, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर अभी भी उमस और गर्मी से परेशान है। तो वहीं गर्मी झेल रहे जयपुर में 2 से 3 दिन बाद बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन तक बारिश की हैवी अलर्ट जारी किया है। 2 सिस्टम एक्टिव होने से पूरे प्रदेश तरबतर हो जाए। तो वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भारी बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि भोपाल और उज्जैन में 4 इंच या इससे ज्यादा पानी भी गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 11 से 17 जुलाई तक प्रदेश में इस सीजन की सबसे तेज बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस वजह से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश नहीं हो रही है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह हालात रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 11 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना काफी कम है। इस दौरान न्यूनतम तापमान के सामान्य तापमान से ज्यादा होने के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं तेज धूप और गर्मी से राहत मिलने के काफी कम आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ताजा पूर्व अनुमान में 11 जुलाई तक कहीं कहीं बारिश होने की बात भी कही है। तो वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार है। राज्य के 6 जिलों में बाढ़ से राहत मिली है, जबकि राज्य के 12 जिलों में अभी भी लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। गुरुवार को रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों पर तेज बारिश हुई। इसके साथ ही कुछ जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी ही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।